बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल विलेज फूड एंड डेली लाइफ। मज़ेदार और आसान रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम बना रहे हैं इंतहाई कम इंग्रेडिएंट्स के साथ मज़ेदार स्नैक्स, जिसके लिए लिए पोटैटो मैंने हाफ के जी, इनको मैंने बॉयल कर लिया। नमक हाफ टी स्पून, रेड चिली पाउडर हाफ टी स्पून, ब्लैक पेपर हाफ टी स्पून, खुश्क धनिया पाउडर हाफ टी स्पून, ज़ीरा पाउडर 1/4 टीस्पून और 2 टेबलस्पून कॉर्न स्टार्च। आलू हमने मैश कर लिए हैं, अब हम इसमें स्पाइसेस डालते हैं। टू टेबलस्पून हरा धनिया हम इसमें डालते हैं। थोड़ा थोड़ा सा मिक्सचर लेकर हम इसको किसी भी शेप में रेडी कर लेते हैं, लेकिन फाइनल शेप हम इनको अंडा और ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद देंगे। सारे मैं तैयार करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। तमाम हमने चौरस शेप में टिक्कियाँ तैयार कर ली हैं, अब हम इनको अंडा और ब्रेड क्रम्स लगाते हैं। एक अदर अंडा लिया मैंने, इसको अच्छे तरीके से बीट कर लिया और थोड़े से ब्रेड क्रम्स लिए। अब अंडे में डिप करेंगे और बाद में इस पे दूसरे हाथ से अच्छे तरीके से ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। इस तरीके से दोनों साइडों पे अच्छे तरीके से अंडा ब्रेड क्रम्स लगा के मैं तमाम तैयार करती हूँ और फिर आपके सामने इनको अच्छी सी शेप देती हूँ। देखें जी, सबको मैंने अच्छे तरीके से अंडा ब्रेड क्रम्स लगा लिए। अब फोक की मदद से हम इनको अच्छी सी शेप देते हैं। ये देखें, इस तरीके से आपने फोक की मदद से इसके ऊपर लाइन जो है वो ड्रा कर देनी है। आप किसी भी शेप में किसी भी तरीके से इसके ऊपर डिज़ाइनिंग जो है वो कर सकती हैं, वो आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह की शेप देना चाहती हैं। सबको मैंने अच्छी सी शेप दे ली है, अब मैं इनको फ्राई करना शुरू करती हूँ। फिर हमने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था, ज़्यादा ऑयल नहीं डालना, हमने शैलो फ्राई करनी है, डीप फ्राई नहीं करनी। कटलेट्स उठा के हम इसमें डालते हैं और फ्राई करना शुरू करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से एक तरह से कलर आ गया, मैंने दूसरी साइड पे किया है। ये जो हमने फोक की मदद से डिज़ाइन किए, देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी लाइंस जो हैं वो वाजिया दिख रही हैं। अब दूसरी तरफ से भी ये देखिए अच्छा सा कलर आ चुका है, अब मैं इनको निकालना शुरू करती हूँ। ये देखें जी, इसी तरह से बाकी भी सारे मैं फ्राई करती हूँ और फिर डिश आउट करके तो आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह से ज़बरदस्त मज़ेदार पोटैटो कटलेट्स जो है हमारे तैयार हैं। उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी जो है वो अच्छी लगी होगी। इसको लाजमी ट्राई किया, बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दें, बच्चे बहुत शौक से खाएंगे। इस उम्मीद और दुआ के साथ के जहाँ रहें खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप पर हम पर सब पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाए, आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।